नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी के न्यूज यूम करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले एक दो दिनों की जो महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग इसमें जो है संकलित करने का जो प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा के संदर्भ में जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएं वहां पे आपकी एक बेहतर पकड़ और मजबूती के साथ आप परीक्षा को दे सकें। तो एक एक करके हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो इसी क्रम में जो है हम लोग खेल के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण जो है खबर है कि तेलंगाना के राजा ऋत्विक को 17वां जो है ग्रैंड मास्टर का जो पुरस्कार दिया गया है, ग्रैंड मास्टर का खिताब प्रदान किया गया है, खिताब। तो एक महत्वपूर्ण है कि राजा ऋत्विक तेलंगाना से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि जो है वो शतरंज से संबंधित जो खिलाड़ी हैं, शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं, और इन्हें जो है विश्व शतरंज संगठन की तरफ से ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया है। और कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का है। तो यहाँ पे इसके साथ में ये भी समझना हो सके कि ग्रैंड मास्टर वास्तव में क्या होता है, ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के, विश्व शतरंज संगठन के द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को शतरंज के क्षेत्र में निर्धारित किए गए कुछ मानकों को पूरा करने पर ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है दिया जाता है। तो भारत में राजा ऋत्विक को भी हाल में ही जो है 17वां ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है। और ग्रैंड मास्टर शतरंज की दुनिया में जो है विश्व चैंपियन के बाद जो है सबसे बड़ा जो है स्तर और खिताब है जो विश्व शतरंज संगठन के द्वारा दिया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण जो न्यूज ये है। दूसरा जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी हाल में जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। अब पूर्व में ये जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम से था, तो अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया। तो निश्चित तौर पर राजा शंकर शाह कुछ रहे होंगे तभी किया गया है। तो हमें उसी के साथ में जो इतिहास की इन बातों को भी समझ लेना है। राजा शंकर शाह जो है जनजातीय नेता थे और 1857 की क्रांति में इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1857 की क्रांति को प्रसारित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाद में उन्हें जो है मौत की सजा दे दिया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से अब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जाना जाएगा। इसी तरीके से सिक्किम पर हम लोग आते हैं। सिक्किम सरकार के द्वारा जो है महासीर मछली को जो है राज्य मछली का दर्जा दे दिया गया है। राज्य मछली का जो है दर्जा दे दिया गया। पूर्व में भी इस तरीके से कहीं पर पुष्प को, कहीं पर भाषा को जो है दर्जा देने पर जो सवाल बनते हैं, तो यहाँ पे ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक जैव विविधता से संबंधित सवाल है कि मछली से है मत्स्य, तो उसके लिए अलग से कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो सिक्किम के द्वारा कुबर महासी मछली को जो है राज्य मछली का दर्जा दे दिया गया है। इसे स्थानीय स्तर पर इस मछली को जो है कैटली के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोनों ही नाम ध्यान में रखना आवश्यक हो सकता है, कैटली ही पूछ लिया जाए महासी के स्थान पर, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है तैयार रहना होगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्रदेश स्तर से थी। अगली महत्वपूर्ण जो है सूचना वो पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी को लेकर के है। पंकज आडवाणी जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिए हैं। ये जो है पंकज आडवाणी, इसके साथ में ये भी जान लेना हो सके कि स्नूकर से संबंधित जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि कई बार इंटरव्यू वगैरह में ये भी सवाल भी पूछ लेता है कि स्नूकर से संबंधित किसी खिलाड़ी का नाम बताइए, तो कम से कम आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। तो पंकज आडवाणी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप एशिया स्तर का खेल है, तो एशियाई स्तर के खेल होने के कारण से यहाँ भी सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो है अनुपम खेर, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर से संबंधित है, जिन्हें फ्लोरिडा स्थित जो विश्वविद्यालय की तरफ से हिंदू अध्ययन के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। अनुपम खेर को मानद उपाधि दी गई है डॉक्टरेट की जो है।
डॉक्टरेट की जो मान उपाधि गई। पूर्व में भी इससे सवाल कई बार इस तरीके से पूछे गए हैं, कभी नेता को कभी अभिनेता को जो दिए जाते हैं डॉक्टरेट की उपाधियां, मानद उपाधियां, तो वहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको समझ लेना आवश्यक है कि अनुपम खेर को ये जो है पुरस्कार जो है दिया गया, ये डिग्री दी गई है जो है, मानद उपाधि जो है दी गई है डॉक्टरेट की हिंदू अध्ययन के क्षेत्र में जो है, उसे समझ लेना जो है आवश्यक है। अगला जो है खादी एवं ग्राम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग जो विभाग के जो है तरफ से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सेवा दिवस के अवसर पर इन्होंने जो है स्पिन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। स्पिन कार्यक्रम प्रारंभ किया, स्पिन का मतलब कातना होता है, कातना धागा इत्यादि से संबंधित है, धागे की कटाई इत्यादि किया जाता है, स्पिन या घुमाना, काटना, नचाना, इस तरीके की चीज़ें जो है इससे रिलेटेड होती हैं, और ये जो है किसी न किसी रूप में जो है कहीं ना कहीं एक समझ के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग से जो है जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि ये धागा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेंथिंग द पावर ऑफ इंडिया से जो है संबंधित जो है कार्यक्रम है, और इसी को संक्षिप्त में स्पिन कहा गया है, जो कि खादी ग्रामोद्योग के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर जो प्रारंभ किया गया। तो एक और जानकारी आपको मिल जा रही है कि सेवा दिवस के रूप में भी जो है जन्मदिन को जो मनाया जाता है, तो क्योंकि इससे पूर्व में जो है कल्याण, इसके पूर्व में जो है अटल बिहारी वाजपेयी या इस तरीके के जो है नेताओं के जन्मदिन के अवसर को भी जो है अलग अलग रूपों में मनाया जाता रहा, जहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है सेवा दिवस के रूप में। तो स्पिन कार्यक्रम जो है खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा जो चलाया गया है। अगला आईआर से संबंधित है, भारत और नेपाल के बीच में जो है वो सैन्य क्षेत्र में जो है सूर्य किरण, सैन्य के क्षेत्र में जो है आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए, अभ्यास के लिए जो है पिथौरागढ़ में सूर्य किरण के नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए हैं। यद्यपि ये तो पहले से ही जो है किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष अभी किया गया है, और पूरे वर्ष में जो है अलग अलग देशों के साथ किया जाता रहा, जिससे सैन्य और रक्षा के क्षेत्र में उस देश के प्रति विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग का जो है समर्पण होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होता है सैन्य अभ्यास। तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण के नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला एक पुस्तक का नाम है साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, साइनिक सिख यूथ ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा जो है लिखी गई है, राजनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई, वर्तमान समय में रक्षा मंत्री होने के कारण से इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक निश्चित तौर पर चर्चा में रहेगी, और ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो महत्वपूर्ण होगी। तो इस तरीके से जो पिछले एक से दो दिनों में जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो है घटनाएं थी, कुछ प्रगति थी, कुछ कार्यक्रम थे, कुछ दिवस थे, कुछ अभ्यास थे, जिनको संकलित करने का प्रयास किया गया, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी को मजबूत किया जा सके। तो इसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के बारे में एक अप्रोच विकसित कीजिए। एक दो दिनों में देखा होगा तो बहुत सारी जो है न्यूज हुई है, बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम सभी घटनाओं को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं। अगर आपको ये समझना भी है कि किस तरीके से न्यूज को पढ़ा जाए, तो आपको जो है एक लेक्चर इस पर जो है डेडिकेटेड बनाया गया है, आप उसको जो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स के आप जो है प्लेलिस्ट में आप नीचे जा करके देख पाएंगे, और वहाँ से जो है उस लेक्चर को आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अप्रोच एक बेहतर विकसित किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर पे पिछले एक दो दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित ये लेक्चर आप लोगों के लिए, अपना अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।